नमस्कार, अनसुनी कहानी में आपका स्वागत। मध्य प्रदेश का मतलब देश के मध्य में बसा एक प्रदेश, देश का दिल, जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल, जो राजा भोज ने स्थापित करी थी और भोजपाल से उसका नाम बन गया भोपाल। भोपाल के पुराने शहर में एक मोहल्ला है, गुलियादाई का मोहल्ला। वहां पर एक बहुत ही मशहूर वैद्य और आयुर्वेदिक चिकित्सक अपना दवाखाना अपने घर से ही कई सालों से चला रहे थे। उनके यहां 19 अगस्त 1918 को एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम वैद्य खुशी माताश्री सुभद्रा का भरी जवानी में मृत्यु होने से आपके पिता ने आपकी कजिन मासी से दूसरा विवाह किया, और चूंकि शंकर दयाल जी उस टाइम पे कॉलेज में पढ़ते थे, इसलिए वो विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाए। परंतु सौतेली माँ ने भी शंकर दयाल का वैसे ही ख्याल किया जैसे उनकी अपनी स्वयं की बहन करती। बताती थी कि मुझे नए परिवार में घुलने मिलने में कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि वो मेरे कजिन सिस्टर का घर था, जहां मैं शादी से पहले भी जाती थी। और आपने बताया कि हमारे परिवारों में सबसे बड़े बेटे को उसके नाम से नहीं पुकारा जाता है, इसलिए उसे भैया कहा जाता है। और संपत बाई बताती हैं कि वह भी अपने बेटे शंकर दयाल को भैया कहती थी। राष्ट्रपति बनने से पहले आपने देश के दूसरे कई बड़े पदों को भी संभाला। शंकर दयाल जी ने अपनी शिक्षा देश व विदेश की यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। इसके साथ ही डॉक्टर शंकर दयाल ने कई चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की, और साथ ही कई उच्च पद भी प्राप्त किए। वे अपने जीवन के अंत तक कांग्रेस पार्टी के प्रति ईमानदार रहे, उन्होंने इसका साथ कभी नहीं छोड़ा। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर शंकर दयाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 23 जनवरी 1950 से 1952 तक डॉक्टर साहब भोपाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और उसके बाद 1952 में ही कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए वे भोपाल के मुख्यमंत्री बने और 1956 तक इस पद पर रहे। 1956 से 1971 तक
डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इन सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर डॉक्टर शंकर दयाल जी ने इंदिरा गांधी का बहुत सहयोग किया। 1959 में जब कराची में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा के लिए यूनेस्को की बैठक हुई, तब डॉक्टर शंकर दयाल ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। जब इंदिरा जी की सरकार आई, तब 1974 से 1977 तक वे कैबिनेट में संचार मंत्री रहे। डॉक्टर शंकर दयाल जी दो बार 1971 और 1980 में लोकसभा सीट के लिए भोपाल से खड़े हुए और दोनों ही बार उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इस तरह वे दिल्ली संसद में पहुंच गए। इसके बाद वे सबसे पहले 1984 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने। इसी दौरान दिल्ली में रह रहे उनकी बेटी गीतांजलि और दामाद ललित माकन, जो कि एक राजनेता थे, उन्हें उग्रवादियों ने मार डाला। इसके बाद शंकर दयाल जी ने आंध्र प्रदेश से राज्यपाल पद को छोड़ दिया और 1985 में पंजाब के राज्यपाल बनकर चले गए, जिस समय भारत सरकार और उग्रवादियों के बीच काफी हिंसा छिड़ी हुई थी। आखिर में 1986 में डॉक्टर शंकर दयाल जी महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। 87 में तब तक वहां के राज्यपाल रहे जब तक उन्हें देश का उपराष्ट्रपति नहीं बना दिया गया। 1987 में वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ डॉक्टर शंकर दयाल जी राज्यसभा के अध्यक्ष भी थे। वाइस प्रेसिडेंट पद पर वे 5 साल तक विराजमान रहे। उसके बाद 1992 में जब आर वेंकट रमन साहब का कार्यकाल समाप्त हुआ, तब डॉक्टर शंकर दयाल जी को राष्ट्रपति पद से नवाजा गया। 92 से 97 तक शंकर दयाल जी राष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे। श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्र रत्नम उपाधि दी थी। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने कानून की पढ़ाई और उसमें योगदान के लिए डॉक्टर शंकर दयाल को द लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ के अवार्ड से सम्मानित किया था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब के बारे में हम आपको कई बातें बता रहे हैं। हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो डॉक्टर शर्मा को बहुत नजदीक से जानते थे। हम उनसे भी सुनते हैं ऐसी बातें जो आपने और हमने नहीं सुनी। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा और उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्य निष्ठा और जिस काम को करना बहुत लगन से करना, ईमानदारी के साथ करना। राष्ट्रपति पद पर पहुंचने के बाद जो उनका कार्यक्रम भोपाल में रहा, तो आप इस वाक्य से उनके सोच को समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरी चाह ये नहीं है कि मैं राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई छाप छोड़ूं, बल्कि मेरी चाह ये है कि मैं जस की तस चदरिया सौंपूं। जब भोपाल के प्रतिनिधि वो बने तो उन्होंने कहा कि भोपाल के लिए मैंने जो कुछ किया वो कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा कर्तव्य था, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुझे आप सब लोग इतना आशीर्वाद दें कि आपका मस्तक शर्म से झुक ना पाए। अब हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की रोचक कहानियां जारी रहेंगी।